स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? फाइन ना? फ्रेश हो गया? ताजा मजा बॉर्नविटा पी के? ओके, हैंडवॉश करते हो ना? बार बार हैंडवॉश करना है। हाँ, अभी तो हैंडवॉश करना है, फिर मास्क भी मुंह पे रखना है। ओके, और घर का फूड ही खाना है। ओके, बाहर का नहीं खाना है, ऐसा सब ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी तो ये बहुत COVID-19 चल रहा है ना, इसलिए आपको ये सब बात का ध्यान रखना ही है, क्योंकि आप तो छोटे हो, छोटे बच्चे को तो ज्यादा केयर करनी पड़ती है ना, तो इसलिए। ओके, कोई आपको देगा तो भी आपको मना करना है, और बिना हैंडवॉश के तो मुंह में रखना ही नहीं है, और बार बार अपना फिंगर और मुंह पे ऐसे नहीं रखना है, और फिंगर नोज पे भी नहीं डालनी है। ओके, ये बेड मैनर्स होती है। ओके, तो आप ये सब कर रहे हो ना, मम्मी और डैडी जैसा कहे उसका मानना है, घर में जो भी आपसे बड़े है और जो आपको कह रहे हैं ना उसका मानना है। ओके, गुड बच्चे होते वो मानते हैं, तो मुझे तो पता चल ही जाता है कि कौन अपने मम्मी का मानता है, पापा का मानता है, क्योंकि तो मुझे सब दिखाई देता है, जब मैं आईज क्लोज करूँ ना तब सब मुझे दिखाई देता है कि हाँ इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने, मुझे सब पता चल जाता है बेटा। हाँ, तो आपको मम्मी डैडी का बड़ों का कहना करना है, और चलो आपको वीडियो में भी देख देख के पढ़ना है ना, तो अभी आप, हम तो डेली क्या ABCD सीखी थी ना, एक बार हमने नंबर लिया था 1, 2, 3, फिर ABCD की थी, कैपिटल और स्मॉल, तो आज ये राइम्स भी सीखी हमने, तो आप छोटे हो इसलिए अलग अलग चेंज थोड़ा मिले ना, इसलिए आपको मैं अलग कराती हूँ। ओके, तो आज हम क्या लेंगे, ऐसे EVSA इन्वायरमेंट वाला, ये वाली बुक आपके पास होगी ना, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, इसमें से भी और आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये टेक द बटरफ्लाई टू देयर मैचिंग कलर फ्लावर्स। तो देखो, मैंने आपको अगले वीडियो में कलर्स के नेम सिखाए थे टीचिंग एड्स के साथ, राइट? तो आपको ये बटरफ्लाई दिए है ना, वो कौन से कलर के फ्लावर के साथ मैच होते हैं, तो यहाँ पे कलर वाले फ्लावर भी दिए और यहाँ बटरफ्लाई भी दिए, तो आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पिंक बटरफ्लाई, तो कौन से फ्लावर से मैच होता है, पिंक से होता है ना, तो आपको कलर से मैच करना है, कलर पिंक कलर लेकर पिंक से के साथ मैच कर देना है, फिर येलो लेकर येलो के साथ मैच कर देना है। ओके, इस हिसाब से आपको कलर से ये मैच करना है, तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि ये कौन सा कलर है, राइट? मैंने सिखाया था, तो फिर आप मम्मी की भी हेल्प ले सकते हो, ऐसे ही आपको करना है। ओके, जैसे करोगे ना होमवर्क में भी करना है, मैंने ये तो एक सिखाया, दो दूसरा भी सिखा देती हूँ। देखो ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज कहाँ है फ्लावर, यहाँ, तो ऑरेंज के साथ ऑरेंज को मैच किया, तो मैंने तो अभी पेंसिल से किया, पर आपको तो कलर से करना है, ऑरेंज कलर से ऑरेंज को मैच करना है, पिंक को पिंक से, येलो को येलो से, इसी हिसाब से रेड को रेड को, ब्लू से ब्लू को, तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से कलर से हमने मैच किया है। ओके, तो ये आज का होमवर्क है गार्डन का, फिर इसके बाद आएगा फ्रूट ईट, तो आप अभी तो फ्रूट कौन कौन से आप खाते हो, सबका फेवरेट कौन, कोई ना कोई फ्रूट तो होता ही है, तो इसमें देखो कौन कौन से फ्रूट दिए, तो फर्स्ट है एप्पल, एप्पल है ना, A4 एप्पल हमने सीखा था, वो वाला एप्पल, तो एप्पल का कलर कौन सा है, देखो रेड, और उसके लीफ का ग्रीन है ना, तो एप्पल, फिर सेकंड पिक्चर मैंगो, तो अभी वो मैंगो की सीजन गई ना, वो मैंगो येल्लो कलर, किसका कलर कौन सा है, विच कलर, तो मैंगो का कलर येल्लो, फिर ग्रीन लीफ, फिर उसका शेप भी आपको देखना है कि कैसा शेप होता है मैंगो का। ओके, फिर उसके बाद क्या है, थर्ड पिक्चर पोमोग्रेनेट है ना, पोमोग्रेनेट का पिक्चर ये बोल है वो ईट कर रहा है, पर हमको तो यहाँ देखना है, पोमोग्रेनेट का पिक्चर ये है, देखा वो कौन से कलर का है, डार्क मरून भी आता है ना और रेड भी आता है, पोमोग्रेनेट ये है पोमोग्रेनेट, फिर उसके बाद लीची रेड कलर की लीची, फिर ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, फिर पपैया, तो बाहर से ग्रीन और अंदर से काटोगे तो कौन सा कलर का निकलेगा, ऑरेंज कलर का निकलेगा ना, तो पपैया, फिर W फॉर वाटरमेलन, वाटरमेलन ग्रीन कलर का, अंदर से कट करोगे तो रेड निकलेगा वो, और G फॉर ग्रेप्स, ग्रीन भी होती है पर्पल भी होती है, और P फॉर पाइनएप्पल, तो बाहर की उसकी त्वचा कितनी होती हो, ऐसी स्मूथ भी नहीं होती, उसकी कांटे वाली होती है ना, वो ब्राउन कलर का होता है वो, पाइनएप्पल, P फॉर पाइनएप्पल, तो ये क्या थे हमारे फ्रूट जो हम डेली यूज करते हैं ना, वो एप्पल मैंगो लीची ऑरेंज पपैया पोमोग्रेनेट पाइनएप्पल ग्रेप्स और वाटरमेलन,
ये आपको माइंड में रखना है। और ये भी देखना है कि हम कौन सा फ्रूट डायरेक्ट ऐसे ही बिना छिलके उतारे, यानी कि छाल बिना छिलके उतारे खा सकते हैं, और ऐसे ऐसे भी फ्रूट है जो अपने आप भी छाल बिना छाल के नहीं खा सकते। ओके ना, तो छाल तो ओके, तो ये क्या थे फ्रूट, तो ऐसे फ्रूट है कि जो बिना छिलके भी खा सकते हैं और छिलके रख कर भी हम खा सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल है ना, तो उसके उसमें तो विटामिन फुल होता है, विटामिन वाला होता है ना, सब फ्रूट में विटामिन होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। ओके, तो आपको फ्रूट तो सबसे अच्छा ये तो एप्पल है ना, तो एप्पल तो कोई लोग कोई अपनी इच्छा पसंद है एप्पल की तो छिलके के साथ भी खाते है, और कोई बिना छिलके भी खाता है, और कोई छिलके करके भी खा सकता है एप्पल। तो ये एप्पल है तो उसका भी जूस बनता है और हम खा सकते हैं। फिर ये मैंगो, तो मैंगो तो हम बिना छिलके के नहीं खा सकते, राइप मैंगो होती है वो तो बिना छिलके नहीं खा सकते ना, तो इसको तो हम उसकी छिल यानी कि ऊपर की स्किन छाल उसको निकाल कर ही हम खा सकते हैं, तो ये मैंगो। फिर ये है ऑरेंज, तो ऑरेंज को भी वैसे ही है, उसको भी हम बाहर की छाल यानी कि छिलका उतार करके खा सकते हैं ना ऑरेंज, तभी तो अंदर से वो आम का जूस निकलता है ना, तो इसलिए ये ऑरेंज है, तो वो भी बिना छाल के नहीं खा सकता, सॉरी छिल के उतार के भी नहीं खा सकते, सॉरी छिल के उतार कर ही खा सकते हैं ना ऑरेंज को। फिर ये हो गया ये लीची, लीची भी वैसे ही है। फिर पपाया, पपाया में भी छिल के उतार कर ही पपाया खा सकते हैं। फिर पोमोग्रेट, उसको भी हम छिलका उतार कर ही अंदर से भी निकलते हो खा सकते हैं ना। फिर ये पाइनएप्पल में भी वैसा ही है कि छिलके उतार कर ही पाइनएप्पल का यूज ईटिंग कर सकते हैं। फिर ये ग्रेप्स ही ऐसी है कि जो उसमें हम छिलके नहीं उतारने पड़ते, वो इसको हम वॉश करके ही खा सकते हैं डायरेक्ट मुंह में, राइट। बाकी तो हम डायरेक्ट एक भी फ्रूट नहीं खा सकते, एक फल खा सकते हैं और एक ग्रेप्स खा सकते। ये दो ही फ्रूट ऐसे हैं कि जो हम डायरेक्ट बिना छिलके के, और हाँ ग्वावा नहीं है इसमें, पर ग्वावा भी खा सकते हैं, इसमें पिक्चर नहीं दिया इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। और ये वाटरमेलन को भी हम छिलके उतार कर ही खाते हैं ना, तो ये क्या था हमारा फ्रूट था ना, फ्रूट नेम एप्पल मैंगो ऑरेंज लीची ये वाला। अब पेज टर्न करके आपको यहाँ देखो, आपको कहा लिखा है कलर द फ्रूट विच वी पील फर्स्ट एंड देन इट, तो एक ये पिक्चर दी है सब फ्रूट के, बनाना है, मैंगो है, लीची, गावा, ऑरेंज और ग्रेप्स, इतने पिक्चर दिए। तो उसमें आपको क्या करना है, पील यानी कि जो हम छाल उतार कर यानी कि छिलके उतार कर जो वाला फ्रूट खा सकते हैं ना, उसमें आपको कलर करना है। तो ये कौन से कलर के है, बनाना है, तो बनाना है तो हम छिलके उतार कर ही खा सकते हैं, तो उसमें बनाना में कलर करना है। ये मैंगो भी छिलके उतार कर खा सकते हैं। फिर ये क्या है ऑरेंज, वो भी छिलके उतार कर खा सकते हैं ना, और बिना छिलके उतार बिना छिलके कौन सा फ्रूट खा सकते हैं, तो एक ग्रेप्स डायरेक्ट खा सकते हैं वॉश करके, और गावा भी हम वॉश करके खा सकते हैं, और ये लीची भी खा सकते हैं, लीची भी उसको सॉरी लीची नहीं खा सकते, गावा और ग्रेप्स दो ही खा सकते हैं बिना छिलके उतारे, है ना, उसके हम छिलके नहीं उतारते डायरेक्ट मुंह में रखते हैं ना। तो ये दोनों का कौन सा जिस फ्रूट का जो सा कलर आता है वैसा उसमें करना है। तो विच द फर्स्ट फ्रूट, तो चलो तो हमने क्या देखा कि इसमें आपको कौन सा कलर करना है कि जिसकी हम स्किन निकाल सकते हैं, स्किन यानी कि छिलके, छिलके यानी कि उसकी ऊपर की वो क्या कहते हैं छाल बोलते हैं गुजराती में, वो जो निकाल सकते हैं ना वही वाले फ्रूट में आपको कलर करना है। तो बनाना मैंगो लीची ऑरेंज उसमें ही कलर करना है, गावा और ग्रेप्स में नहीं करना है क्योंकि वो तो बिना स्किन के भी हम खा सकते हैं ना, स्किन के साथ खा सकते हैं। ओके, स्किन के साथ ये दोनों खा सकते हैं और इसमें तो स्किन निकालनी पड़ती है ना, छिलके उतारने पड़ते हैं, इसमें नहीं उतारने पड़ते। तो ये क्या था हमारा आज का फ्रूट नेम, ये गावा में कई कई लोग गावा में भी छिलके उतार के खाते हैं, ऐसा नहीं है, कोई कोई खाता भी है, तो जैसे अपनी रीत। ओके, तो ग्रेप्स तो एक ऐसा ही जो करना है। फिर यहाँ आपको यह कलर करना है, ये भी होमवर्क है आज का। फिर ये ड्रॉ करना है, स्माइली फेस बनाना है कि आपको ड्रॉ स्माइली नेक्स्ट टू द फ्रूट यू लाइक अदरवाइज, तो आप में से
जो जिसको फ्रूट अच्छा है उसको आपको हैप्पी फेस, आपको जो फ्रूट अच्छा लगे उसमें आपको हैप्पी फेस बनाना है ओके। और इसे वाटरमेलन में आपको ब्लैक कलर के ऐसे सीड्स बनाने हैं ओके। सीड्स बनाओगे तो भी चलेगा, ऐसे जिसके पास नहीं हो ना तो उसको ऐसे पेंसिल से करेंगे तो भी चलेगा, वरना बिंदी होती है ना आपकी मम्मी जो लगाती है वो बिंदी लगानी है यहाँ पे, इसलिए इसके सीड्स बन जाएंगे ओके। और नहीं जिसके पास अवेलेबल है वो ऐसे पेंसिल से या कलर से करना ओके डॉट ऐसे। तो ये हो गया हमारा आज का फ्रूट नेम और इसका होमवर्क ओके। नर्सरी बच्चों आपको ये करना है ओके बेटा, आप तो गुड़ गुड़ो नहीं तो कितना अच्छे वाला है, कलरिंग भी है और फ्रूट के पिक्चर भी है, अच्छे वाला होमवर्क है ना, तो करोगे ना तो करना ओके। तो कल दूसरा करेंगे, आज के लिए इतना ही ओके बेटा, बाय बाय।